वेलकम बैक टू फूडीज वर्ल्ड। आज हम आए हैं सबकी रसोई एंड आज हम करेंगे इनका फूड टेस्ट और चलो देखते हैं इनका फूड कैसा है। मैं आपको एक बार लोकेशन बता देता हूँ सबकी रसोई की। ये है एमबी रोड विश्वकर्मा कॉलोनी पहलादपुर एंड विश्वकर्मा कॉलोनी के ए ब्लॉक के बिल्कुल बाहर निकलते ही है सबकी रसोई। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, पहले ही भूख लग रही है। जब मैं बनाते देख रहा था खाना, मेरे मुंह में पानी आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था खाना। तो अब इसे टेस्ट करते हैं। मैं पहले बता देता हूँ कि क्या क्या आया है टेबल पे। ये है तंदूरी सोया मलाई चाप, लच्छा पराठा, गार्लिक नान और ये है इनकी स्पेशल मिक्स वेज की सब्जी एंड स्पेशल तवा चिकन। और ये आया साथ में वेज पुलाव जो कि काफी बढ़िया लग रहा है सब कुछ। तो चलो इसे टेस्ट करते हैं। पहले मैं शुरू करूंगा स्टार्टर से जो कि है अपनी तंदूरी मलाई चाप। मलाई चाप बहुत ज्यादा अच्छी है। जो एक तो तंदूर का फ्लेवर होता है कोयला टाइप, वो कोयले का फ्लेवर बीच में बहुत बढ़िया आ रहा है
और जो इन्होंने डाली थी अमूल क्रीम उसका भी टेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत बढ़िया आ रहा है। बाकी चाप इज वेल सीजन, कोई कमी नहीं है, चाप बहुत ही अच्छी है। तो मलाई चाप बहुत अच्छी थी, हम सभी को बहुत ही अच्छी लगी एंड मज़ा आया खाने में मलाई चाप। अब टेस्ट करते हैं इनका मेन कोर्स। मेन कोर्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आया तवा चिकन, बहुत ही ज़्यादा मतलब बटर से भरा हुआ, बटर एंड क्रीमी लग रहा है, बटरी एंड क्रीमी लग रहा है। थोड़ी सी ग्रेवी लूंगा मैं। साथ में आया है वेज पुलाव, जो फ्रेश धनिया इन्होंने ऊपर से डाला वो काफी बढ़िया फ्लेवर देगा। एंड थोड़ी सी मिक्स वेज ले लेते हैं, थोड़ी सी मिक्स वेज ले लिया मैंने। एंड पहले मैं टेस्ट करूंगा लच्छा पराठा। लच्छा पराठा के लच्छे काफी बढ़िया है, आप देख सकते हैं। तो चलो करते हैं इसको टेस्ट। पहले टेस्ट करते हैं तवा चिकन। तवा चिकन के बिल्कुल माइल्ड मसाले हैं, ज्यादा मसाला नहीं है, मिर्ची भी ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा अलग सा टेस्ट आ रहा है। मैंने तवा चिकन काफी बार खाया हुआ है, ये बहुत बढ़िया तरह से कुक किया गया है। अब करते हैं टेस्ट चिकन भी, चिकन कैसा है। चिकन इज परफेक्टली गुड, चिकन बहुत अच्छी तरह से कुक किया गया है। और जो ग्रेवी है, ग्रेवी भी बहुत अच्छी लग रही है इसमें। जो इन्होंने तंदूरी चिकन डाला था ना, तंदूरी चिकन का भी एक इंडिविजुअल फ्लेवर आ रहा है। ओवरऑल आप रेटिंग स्क्रीन पे देख सकते हैं, तवा चिकन बहुत ज्यादा बढ़िया है। अब हम टेस्ट करते हैं इनकी मिक्स वेज। बिल्कुल घर वाला फ्लेवर है मिक्स वेज का, ऐसे लग रहा है कि घर पे खाना बना है। और जो क्रीमी फ्लेवर है, धनिया का टेस्ट इस पे बहुत ज्यादा बढ़िया आ रहा है, उसमें भी बढ़िया आ रहा था, बट आई लाइक दिस वन टेस्ट बेटर। एंड सारी सब्जियां अच्छे से कुक्ड हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है, माइल्ड मसाले हैं, कोई मसाला ज्यादा नहीं है किसी चीज में भी। और ओवरऑल रेटिंग आपको स्क्रीन पे दिखी रहेगी, आई गिव दिस अ 9.5। दिस इज टू गुड। अब इनका एक बार गार्लिक नान भी टेस्ट कर लेते हैं। फुल बटरी गार्लिक नान है, अंदर पूरा गार्लिक भरा हुआ है। सॉरी फॉर अ लिटिल बैकग्राउंड नॉइस। चलो करते हैं गार्लिक नान को टेस्ट। तवा चिकन के साथ गार्लिक नान मैं कहूंगा ज्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि जो इसमें गार्लिक है ना, गार्लिक बहुत ज्यादा बढ़िया फ्लेवर दे रहा है, धनिया बहुत ज्यादा बढ़िया फ्लेवर दे रहा है, और जो तंदूरी फ्लेवर है, ओह माय गॉड, दैट्स किलिंग इट। गार्लिक नान बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब टेस्ट करते हैं इनका पुलाव। पुलाव में आप देख सकते हैं कि जो चावल है वो कितने अच्छी तरह से लग रहे हैं, कुक किए गए हैं। और चलो अब करते हैं इसको टेस्ट। माइल्ड मसाले हैं, बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, पनीर बहुत सॉफ्ट और बढ़िया। जो गार्लिक गार्लिक नान जो वेज पुलाव में डाला गया है, टेस्ट बहुत बढ़िया है वेज पुलाव का भी। तो अभी
भी करते हैं अपना फूड एंजॉय। मेरी तरफ से आई गिव द फूड एंड A1 एंड चलो अभी मेरे फ्रेंड्स से पूछ लेते हैं कि उनको फूड कैसा लगा। फूड जो भी था बहुत ही यम्मी था, बहुत ही ज्यादा अच्छा था। और जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि सोया चाप जो कि था बहुत ही यम्मी और बहुत ही क्रीमी था, और सबसे ज्यादा मेरे को सोया चाप और तवा चिकन और वो मिक्स वेज इज द यम्मीएस्ट यम्मीएस्ट। एंड हम मेरा कैमरा पर्सन एंड आल्सो द एडिटर ऑफ द वीडियोस रूपम से भी हम पूछ लेते हैं कि इसको खाना कैसा लगा। फूड वाज वेरी गुड। ओके एंड तो भैया हमारे यहां पे खाना खा रहे थे एंड लेट्स आस्क देम दैट हाउ वाज द फूड। सर पहले तो आप अपना प्लीज तीनों नाम बता दीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज ड्रॉप अ लाइक एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको वीडियो कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर न्यू एंड ऑसम कंटेंट। Bye bye for now, see you in the next video.